सर हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार जी या कार्तिक आर्यन को ले लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। वैसे कार्तिक आर्यन का तो कल ही कंफर्म हो गया था, लेकिन ये अब सभी को मालूम चल गया था कार्तिक आर्यन कोई और कैरेक्टर तो करेंगे नहीं, लीड ही करेंगे ऑब्वियस बात है, और वो राजू का कैरेक्टर करने वाले। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें तो अक्षय कुमार का कह रहे थे कि भैया अक्षय कुमार करेंगे हेरा फेरी 3 करेंगे, आरवारा पागल दीवाना का सीक्वल और वेलकम का भी थर्ड पार्ट करने को मिलने वाले, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन फाइनली आज कंफर्मेशन ऑफिशियल हो ही चुका है, कल तक सिर्फ रूमर्स ही थे कहीं ना कहीं 90% श्योर, लेकिन 100% श्योर हो चुका अक्षय कुमार ये तीनों ही फिल्में नहीं कर रहे हैं। और हेरा फेरी 3 को लेकर तर्क क्या दिया जा रहा है, आप देखिए कई सारे अक्षय कुमार के फैंस भी और कई सारे लोग भी कह रहे हैं, मतलब देखिए मैं तो किसी फैन बेस का व्यक्ति नहीं हूँ, किसी फैन बेस को मैं वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, नहीं मैं कोई अक्षय कुमार का ऐसा बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं हेरा फेरी 3 में सिर्फ अक्षय कुमार को ही देखना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं देखना चाहता, ना मैं किसी और को देख सकता, ना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। सीधी बात बताऊँ तो अक्षय कुमार के बगैर हेरा फेरी 3 होनी भी नहीं चाहिए, बननी भी नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं ना कि भाई हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट अक्षय कुमार को पसंद नहीं है, अरे भाई स्क्रिप्ट पसंद ना आने वाली कोई बात ही नहीं है, नीरज वोरा ने डायरेक्शन किया था, लिखी भी थी हेरा फेरी 2, फिर हेरा फेरी आप लोगों को याद होगा, उनकी डेथ होने के पहले आप देखिए अक्षय कुमार को लिया जा रहा था, लेकिन वो करते ही नहीं है, मना कर देते। उन्होंने दुबई में शूट किया था अभिषेक बच्चन और इनको लेकर, याद होगा आप लोगों को, दुबई में फिल्म करके शूट होने के बाद, आधी शूट होने के बाद, मतलब कुछ पर्सन शूट होने के बाद डिब्बा बंद करके रख दिया था फिल्म को, नीरज वोरा की डेथ हो गई, अब वो है नहीं, वही स्क्रिप्ट वही सब कुछ तैयार है उनके लिए तैयार था, लेकिन अक्षय कुमार के साथ अपनी प्रॉब्लम है ना, क्या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अक्षय कुमार के साथ अपने प्रॉब्लम है, वो क्या है कि उनको चाहिए बहुत सारा पैसा फैलाना चाहिए, भाई जो प्रोड्यूसर है उसने हेरा फेरी फ्रेंचाइज बनाई तो हेरा फेरी का अपना एक नाम हो चुका है, जैसे वेलकम का दूसरी अन्य फिल्मों की फ्रेंचाइज का रहता है, तो अक्षय कुमार का क्या है कि भाई वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, भाई कोई भी इंसान है, मैं प्रोड्यूसर हूँ या आप प्रोड्यूसर है, तो आप अपनी फिल्म का एक ब्रांड है तो आप लिमिटेड ही पैसा दोगे ना, आप लीड एक्टर आप इतना पैसा लो, बाकी मैं फिल्म बना के मैं कमाऊंगा, अब आप अपने तर्क पे अड़े हुए हो कि नहीं मैं तो इतना ही पैसा लूंगा, इससे ज़्यादा इससे कम में मैं लूंगा नहीं, काम नहीं करूंगा, लेना हो तो लो, तो भाई वो भी कह देता भाई मेरी इतनी फिल्म है, मेरी फिल्म का इतना नाम है, तो मुझे तेरी क्या जरूरत है, मैं किसी और एक्टर को लेकर कमा लूंगा। इसी प्रकार से लोगों ने भूल भुलैया में देख लिया, भूल भुलैया 2 भी उन्होंने इसी चक्कर में नहीं करी थी इन सब बातों की वजह से, अनीस बज्मी की फिल्म, वही सारी चीज़ फिर से हो रही है हेरा फेरी को लेकर भी, अक्षय कुमार अपने इस पे अड़े हुए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने इस पे अड़े हैं कि भाई मैं क्यों करूंगा, और सीधी बात मैं समझता हूं इस मामले में प्रोड्यूसर सही है, अक्षय कुमार बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्होंने फैंस को पूरी तरह से निराश किया, वो बिल्कुल भी उनका सही फैसला नहीं, उनको मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को करना चाहिए था, अपना थोड़ा ईगो कम करके नॉर्मल बजट में कम पैसा लेकर, जितना कम क्या जितना होना चाहिए उतना एक लीड एक्टर को दिया था, उतना पैसा लेकर चुपचाप करनी चाहिए थी, नहीं तो डिजास्टर होती है फिल्म में, अपने हश्र देख लीजिए, और मुझे लगता है हेरा फेरी 3 या वेलकम ये फिल्मों को नहीं करते तो अक्षय कुमार को लगातार और भी कई सारे डिजास्टर देखने को मिलेंगे उनके करियर में।